संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस तो की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रता ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा का प्रसाद ने किया है यह फिल्मी द्वारा संपादित फिल्म है किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देख रेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक कहती ललिता से शिकायत करती है जो की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है ऋषभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है <coughs> यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत श्री विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन ये शोधा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोधरा और आस... यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चिक करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर परवेज हैं लाला लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी <clears throat> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अनजानी है इसका पहला गीत है जू 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 यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहाँ हूँ इस जिसके गायक हैं एसपी पी सेल्जा कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 टू, जो एक पुरुष के रूप में गा गया है जिसके गायक हैं सुरेश वर्गार <coughs> सहयोग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक से समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रधान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस सौ पिछहत्तर की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन पोसले भोसले शार्ली द्वारा संपादित है इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख बाईस नवम्बर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहां नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप काता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदानुषात नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत स्नेह विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है जो 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 सोचती है 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 कि कि उसे एक मां कहती है। जो ललिता से शिकायत करती है जो की ओर ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुष्णिया विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और आस... यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपरदा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरेना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेज हैं लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर जोशी <clears throat> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अनजानी है इसका पहला गीत है जू 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 यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आसा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं सुरेश वड़गार्षकों द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक शेम मिश्री के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फ्यूर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशन पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का, का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैनर के तहत किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की तो कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रता ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन भोसले कुरुदत्त द्वारा संपादित है संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख बाईस नवम्बर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत स्नेह विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक माँ कहती ललिता से शिकायत करती है जो की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत शून्य विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्सुम सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिष परवेजैस लालाजी चंदू ग्रांड फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू 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 जू, 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 जू यशोदा जिसके गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायक लता मंगेशकर हैं <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश भलकर आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंखें चुली ऐसी जिसके गायक एसपी सलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत मां मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं सुरेश <coughs> प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक शेम मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यालाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस सौ तो पिछहत्तर की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्मी द्वारा संपादित है इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देख रेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इतनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक मां कहती ललिता से शिकायत करती है जो की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है ऋषभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है <coughs> यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत शून्य विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन ये शोधा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं <स्यारी> इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोधरा और आस... यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्सुम सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेजैस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी <coughs> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अनजानी है इसका पहला गीत है जू ज़ू ज़ू जू जू, -जू, -जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है सुरेश पलकार आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति है इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हूँ इस जिसके गायक हैं एसपी सेल्जा कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गा गया है जिसके गायक हैं सुरेश वर्गार <clears throat> सहयोग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक से समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रधान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैनर के तहत किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यालाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस तो की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा का प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन पोसले भोसले कुरुदत्त द्वारा संपादित है संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख बाईस नवम्बर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएसए जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इन्हें विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है जो सोचती है कि उसे एक मां कहती है जो ललिता से शिकायत करती है जो कि की ओर ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है <coughs> यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुश्मनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चिक ललिता असरानी के रूप में चंदू सुनैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेज एस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अनजानी है इसका पहला गीत है जू 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 ज़ू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आसा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके हैं सुरेश वड़गार्षकों द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक शेम मिश्री के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशन पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का, का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग, 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यालाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म द्वारा संपादित है किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत स्नेह विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक मां कहती ललिता से शिकायत करती है जो की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दशनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन के रूप में राजू पूरी तरह से से है जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चिकरेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरेना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर परवेज हैं लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अनजानी है इसका पहला गीत है जू 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 यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं <स्थाथ> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आसा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश वरकार आसा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंखें चुली ऐसी जिसके गायक एसपी सेलिजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत मां मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं है, सुरेश वड़गारयोग <coughs> प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक क्षेत्र मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल 1982 को हुआ है इनकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसायी अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यालाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस सौ तो पिछहत्तर की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रता ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्मी द्वारा संपादित फिल्म है किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हाला सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इन्हें विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है जो 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 सोचती है 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 कि कि उसे एक मां कहती ललिता से शिकायत करती है जो की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत श्री विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती जाती और यशोदा के साथ चली जाती है, सुनकर आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोधरा और आस... यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्सुम सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिष परवेज एस लालाजी चंदू ग्रांड फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू जू ज़ू जू, -जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <स्थाँगारी> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आसा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हूँ इस जिसके गायक हैं एसपी सेल्जा कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गा गया है जिसके गायक हैं सुरेश वर्गार <coughs> सहयोग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक से मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रधान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग सौ की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय बैनर के तहत किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस सौ पिछहत्तर की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन पोसले भोसले कुरुदत्त द्वारा संपादित है संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख बाईस नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएसए जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदानुशान नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इन्हें विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है जो सोचती है कि उसे एक माँ कहती है जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुश्मनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा यशोदा के रूप में राजू पूरी तरह से ये से जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं <risque> इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेजैस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी <coughs> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अनजानी है इसका पहला गीत है जू 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 ज़ू जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं सुरेश वड़गार्षकों <coughs> द्वारा दुण प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक शेम मिश्री के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल 1982 को हुआ है इनकी वर्तमान आयु 80 वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसायी अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण लक्ष्मीकांत प्यालाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रता ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह शार्ली द्वारा संपादित है संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गाँव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इतनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक मां कहती ललिता से शिकायत करती है जो की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुष्णिया विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा से ये से जुड़ा उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिष परवेजैस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी <coughs> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू 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 जु यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायक लता मंगेशकर हैं <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आसा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश भलकर आसा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एसपी सेलिजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत मां मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं सुरेश वड़गारयोग <coughs> प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक शेम मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग जोगी की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय बैनर के तहत किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की तो कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रता ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्मी द्वारा संपादित फिल्म है किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इतनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक मां कहती है। जो ललिता से शिकायत करती है जो की की ले दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है ऋषभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत श्री विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन ये रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोधरा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपरदा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरेना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद देश पांडे आगा मिनी तबस्सुम सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेजैस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी <coughs> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू जू ज़ू जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हूँ इस जिसके गायक हैं एसपी सेल्जा कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं सुरेश वर्गार <coughs> सहयोग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक से समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल 1982 को हुआ है इनकी वर्तमान आयु 80 वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसायी अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यार्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस सौ पिछहत्तर की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन भोसले कुरुदत्त द्वारा संपादित है इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख बाईस नवम्बर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप काता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएसए जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है जो सोचती है कि उसे एक माँ कहती है जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रेषव के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है <coughs> यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुष्णिया विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा होता जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपरदा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरेना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेज एस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू 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 ज़ू यशोदा जिसके गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश पलकार आसा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके हैं सुरेश वड़गार्षकों <स्थिणागाँ> द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक से मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रधान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल 1982 को हुआ है इनकी वर्तमान आयु 80 वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसायी से अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैनर के तहत किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रता ने और इस फिल्म का छाया वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म पुसले, द्वारा संपादित है इस इस फिल्म फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गाँव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत इतनी विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक कहती ललिता से शिकायत करती है जो की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है <coughs> यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुष्नि विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन के रूप में राजू पूरी तरह से ये से जुड़ा उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना आस... के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्सुम सोनू के रूप में और गोगा कपूर परवेज हैं लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू 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 जू, -जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं <स्थाँगा> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है इस फिल्म का चौथा गीत है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक हैं सुरेश भड़कर आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंखें चुली ऐसी जिसके गायक एसपी सलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत मां मैं कहाँ हूँ इस जिसके गायक हैं एसपी पी सेल्जा कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गा गया है जिसके गायक हैं सुरेश वर्गार <clears throat> सहयोग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक से मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एक मात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं बालाजी टेलीफिल्म और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का, का जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है इनकी वर्तमान आयु अस्सी वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसाय अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय अंतरराष्ट्रीय किया गया है जिसका निर्देशन के विश्वनाथ ने किया है जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यार्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जयाप्रथा ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्मी द्वारा संपादित फिल्म है किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता <coughs> आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है है जो सोचती है कि उसे एक मां कहती है जो जो ललिता से शिकायत करती है कि की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रशभ के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत श्री विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कुर्ता की ओर ले जाती दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती जाती और यशोदा के साथ चली जाती है, सुनकर आशा दुखी, चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैगना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोधरा और यशोद्रा यशोधरा और आशा के रूप में जयपरदा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चे करेस ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद देश पांडे आगा मिनी तबस्सुम सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेज लाला लालाजी चंदू ग्रांड फादर रेनू जोशी चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू जू ज़ू जू, 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 जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है सुरेश पलकार आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख में चोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति है इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा हुँ? इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया है जिसके गायक हैं सुरेश वड़गार्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म है यह सकारात्मक शेम मिश्री समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फे नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं वे बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल 1982 को हुआ है इनकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसायी अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग

इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस सौ तो पिछहत्तर की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे हैं इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया कान वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन भोसले कुरुदत्त द्वारा संपादित है इस फिल्म को संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख बाईस नवम्बर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक गुड़िया को लोलाप काता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएसए जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदानुषार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देखरेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोदा के रूप में परेशान है राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ है 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 जो 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 सोचती कि कि उसे एक मां कहती ललिता से शिकायत करती है जो की की ले जाते हैं दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जब यशोदा गर्भवती होने का होने तक पागल हो जाती है प्रेस के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता जिसमें से एक सुधारी जाती है और यशोदा के साथ चली जाती है यह सुनकर दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो नारायण यशोदा के साथ अपने बच्चे की बलि देकर यूएस से जाती है और उसके लिए बहुत दुष्णिया विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं लेकिन यशोदा निशंतान के रूप में राजू पूरी तरह से यशोदा से जुड़ा हुआ जो सोचती है कि उसे माँ कहे जो ललिता से शिकायत करती है जो कि कूटता की ओर ले जाती है दुर्भाग्य से राजू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जब यशोदा गर्भवती होने तक पागल हो जाती है प्रेशर के तुरंत बाद नारायण बच्चे की जिम्मेदारी सोनू ललिता को सौंपता है जिसमें एक सुधारी जाती और यशोदा के साथ चली जाती है सुनकर आशा दुखी आशा चुपचाप अपनी माँ से मिलती है और अपने बच्चे को यशोदा के साथ जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है अंत में फिल्म आशा के साथ समाप्त हो जाती है जो जो नारायण के साथ खुश रहती है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में जितेंद्र एस नारायण यशोद्रा और यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा नारायण के बड़े भाई के रूप में विनोद मेहरा भारती आर्चिक ललिता असरानी के रूप में चंदू सुरैना के रूप में ईरानी आवास नारायण के पिता के रूप में हरविंद पांडे आगा मिनी तबस्म सोनू के रूप में और गोगा कपूर यूनिश परवेज हैस लालाजी चंदू ग्रैंडफादर फादर रेनू जोशी <coughs> चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत और शीर्षक के विषय में इस फिल्म के गीत और गीतकार अंजानी है इसका पहला गीत है जू 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 जू, 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 जू यशोदा जिसकी गायिका है लता मंगेशकर और इस फिल्म का दूसरा गीत है यशोदा का नंद है लाला जिसकी गायिका लता मंगेशकर हैं। <coughs> इस फिल्म का तीसरा गीत है दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले जो कि इसके गायक है छम से तू आए जिसके मुख्य गायक सुरेश पलकार आशा भोसले इस फिल्म का पांचवा गीत है आंख मिचोली ऐसी जिसके गायक एस पी सैलेजा कविता किशन मूर्ति हैं इस फिल्म का छठा गीत माँ मैं कहा इस जिसके गायक हैं एस पी कविता किशन मूर्ति इस फिल्म का सातवा गीत है टू 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 जो एक पुरुष के रूप में गाया गया है जिसके गायक हैं सुरेश <coughs> प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित फिल्म है यह सकारात्मक शेम समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी जयप्रधान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र के विषय में जितेंद्र यानी रवि कपूर रवि कपूर जिनका जन्म सात अप्रैल उन्नीस को हुआ है जिन्हें उनके स्क्रीन नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है ये एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशंस पिक्चर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र सिंह का जन्म यानी रवि कपूर का जन्म सात अप्रैल 1982 को हुआ है इनकी वर्तमान आयु 80 वर्ष है ये अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत के उपनिवासी है ये व्यवसायी अभिनेता है इनका सक्रिय वर्ष संजोग संजोग, 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा भारतीय बैनर के के तहत किया किया गया है जिसका के किया है जिसका निर्देशन विश्वनाथ ने जिसमें जितेंद्र जयपर्दा और लक्ष्मीकांत प्यलाल द्वारा संगीत पद संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति की रीमेक है जिसमें शोभना बाबू विनयश्री ने मुख्य भूमिका निभाई है चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं के विश्वनाथ और यह फिल्म जितेंद्र जैन द्वारा लिखित है इस फिल्म की पटकथा के विश्वनाथ ने की है और यह है कहानी के रमा लक्ष्मी द्वारा निर्मित है यह फिल्म जीवन ज्योति फिल्म उन्नीस की तो कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता पी मल्लिकार्जुन राव रहे इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जितेंद्र ने जया ने और इस फिल्म का छाया वी दुर्गा प्रसाद ने किया है यह फिल्म भवन भोसले कुरुदत्त द्वारा संपादित है इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी भारतीय एंटरटेनमेंट रही है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 नवंबर उन्नीस है और इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई एक बॉलीवुड फिल्म है चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में फिल्म एक हिल स्टेशन से शुरू होती है जहाँ नारायण अपनी पागल पत्नी यशोदा की देखभाल करता है जो एक शरण में है एक तरह का व्यक्ति जो अपनी दुनिया में रहता है एक बुढ़िया को लोलाप कहता है उसके अलावा नारायण के बड़े भाई सोनू की बेटी आशा अपने बच्चे के साथ यूएस से जाने के लिए तैयार है इस प्रकार सोनू और उसकी पत्नी ललिता आशा को अपने चाचा का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं जिसे वह अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह उसे नापसंद करती है हालांकि हालांकि सोनू मना करता है और आगे बढ़ता है जब आशा नारायण को अपने असली पिता के रूप में जानने के लिए निराश होती है तो तदनुसार नारायण पीछे की ओर घूमता है उसे कोलिस के दिनों में नारायण का एक मासूम शरारती गांव की लड़की यशोदा से प्यार होता है और उससे शादी करता है दंपति नारायण के माता पिता सोनू ललिता और उसके एक बच्चे राजू से मिलकर एक संयुक्त परिवार में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं हालांकि ललिता एक घमंडी है जो बड़ों का सम्मान करने में विफल रहती है और अपने शिशु के प्रति लापरवाही दिखाती है यशोदा घर की देख रेख करती है राजू को अपना समझती है और उसके लिए बहुत स्नेह विकसित करती है कुछ वर्षों के पश्चात नारायण अच्छी तरह से बस जाते हैं और वे सभी एक साथ खुशी से रहते हैं लेकिन यशोधा निशंतान के रूप में परेशान है राजू पूरी ते...